लॉकडाउन से रिलेटेड इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा के तहत महामारी पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी पाबंदियों को 2 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो हरियाणा में जो लॉकडाउन है 2 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या नई गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने इस बार। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 24 जुलाई 2021 अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है, हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो चलिए सीधा ही आपको मैं ले चलता हूँ न्यू गाइडलाइंस पर जो जारी की है सरकार ने। तो आप देख सकते हैं 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2021 तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू शैल बी इम्पोज्ड फ्रॉम 11 PM to 5 AM ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक इन द स्टेट। तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन आर प्रोवाइडेड इन मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर ऑर्डर। तो ये मॉडिफिकेशन किए गए हैं पिछले ऑर्डर के मुकाबले। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। रेस्टोरेंट्स आर अलाउड टू ओपन विथ 50% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी सब्जेक्ट टू अडॉप्टिंग रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। तो देखिए जो रेस्टोरेंट्स हैं 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट्स इन मॉल्स, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स सुबह 10 से रात के 11 बजे तक होंगे खुलेंगे। रेस्टोरेंट इन मॉल्स, जो मॉल्स में रेस्टोरेंट हैं वो सुबह 10 से रात के 11 बजे तक, और जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है अलग से जो हैं वो सुबह 8 से रात के 11 बजे तक। हाउएवर दीज टाइमिंग्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू रेस्टोरेंट्स इन होटल्स। तो ऐसे रेस्टोरेंट जो होटल में हैं उन पर ये टाइमिंग लागू नहीं होगा। होम डिलीवरी फ्रॉम होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड फास्ट फूड जॉइंट्स इज परमिटेड अप टू 11 PM। तो जो होम डिलीवरी है खाने की रात के 11 बजे तक होगी। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर अलाउड इन द स्टेट विद स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ SOP। तो देखिए जो ऑफलाइन एग्जाम है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी करवा रही हो, इंस्टीट्यूट करवा रहा हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करवा रहा हो, तो उन्हें अलाउ है, लेकिन उन्हें SOP यानी कि जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। ऑल शॉप्स आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम 9 AM to 8 PM। सुबह 9 से रात के 8 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। मॉल्स खुलेंगे सुबह 10 से रात के 8 बजे तक। फिर है बार्स इंक्लूडिंग इन होटल्स एंड मॉल्स। तो बार्स, ऐसे बार जिसमें होटल मॉल्स हैं, आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम सुबह 10 से रात के 11 बजे तक, लेकिन 50% क्षमता के साथ। जिम्स खुलेंगे सुबह 6 से रात के 9 बजे तक, 50% क्षमता के साथ, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्लब हाउस भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, बार्स भी खुलेंगे किसके, जिस जो कि गोल्फ कोर्सेज में हो, आर अलाउड टू ओपन विथ 50% कैपेसिटी है, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सुबह 10 से रात के 11 बजे तक, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। शादी समारोह में 100% आ सकते हैं। हाउएवर वेडिंग्स कैन टेक प्लेस एट प्लेसेस अदर देन होम। तो शादी समारोह जो है होम के अलावा भी, घर के अलावा भी, कोर्ट या खुले में भी हो सकती है। 100% ही मैक्सिमम आ सकते हैं। इन ओपन स्पेसेस गैदरिंग्स विल बी अलाउड अप टू 200%। तो अगर खुले में कोई शादी के अलावा कोई प्रोग्राम है तो 200% अलाउड है, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। स्पास भी खुल गए हैं सुबह 6 से रात के 8 बजे तक, 50% क्षमता के साथ। स्विमिंग पूल्स आर अलाउड टू ओपन ओनली फॉर सच एथलीट स्विमर्स हु आर कम्पीटिंग पार्टिसिपेटिंग फॉर अ कम्पिटेटिव इवेंट। तो अभी भी जो है जनता के लिए जो है स्विमिंग पूल नहीं खोले गए हैं, केवल एथलीट्स के लिए, वो भी ऐसे एथलीट्स जो किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम कह रहा हूँ, किसी ना किसी कम्पिटेटिव खेल में, प्रतियोगिता में भाग लेंगे, केवल उन्हीं के लिए जो है स्विमिंग पूल खोले गए हैं। सिनेमा हॉल्स इन मॉल्स एंड स्टैंड अलोन। तो सिनेमा हॉल जो मॉल्स में है या फिर अलग से हैं वो भी खोल दिए गए हैं, 50% क्षमता के साथ, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर अलाउड टू ओपन। तो देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी खोल दिए गए हैं, छात्र बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन आगे देखिए, फॉर स्टूडेंट्स फॉर डाउट क्लासेस। तो देखिए रेगुलर क्लासेस के लिए नहीं खुले हैं अभी भी। डाउट क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस इन लेबोरेटरीज, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन विद स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ कोविड गाइडलाइंस। तो देखिए डाउट क्लासेस या प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए ही, या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ही, या फिर ऑफलाइन एग्जाम के लिए ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। स्कूल तो पहले ही खुल चुके हैं। ओपन ट्रेनिंग सेंटर्स इन हरियाणा स्टेट एस्टेब्लिश अंडर द एजिस ऑफ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो देखिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुल गए हैं जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत खोले गए हैं। उसके बाद है कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये भी खोल दिए गए हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, लाइब्रेरी हो, ITI हो, सभी खोल दिए गए हैं। ITI आर अलाउड टू ओपन फॉर स्टूडेंट्स फॉर डाउट क्लासेस। तो देखिए ITI जो है डाउट क्लासेस के लिए खोले गए हैं, जैसे कॉलेज खोले गए थे वैसे ही प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। रिलीजियस प्लेसेस मंदिर मस्जिद 50% अलाउड है एक बार में, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कॉरपोरेट ऑफिस अलाउड कर दिए गए हैं फुल अटेंडेंस के साथ। ऑल प्रोडक्शन यूनिट यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर फैक्ट्रीज खोल दिए गए हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस स्टेडियम सभी खोल दिए गए हैं, और स्पेक्टेटर्स विल नॉट बी अलाउड। तो अभी भी जो है जनता को अलाउ नहीं किया गया है, स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए ही खोले गए हैं। द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट आर हेयर बाय डायरेक्टेड ऑथराइज टू वर्क विद द वर्क आउट द मोडलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द अबव मेंशन्ड रिलैक्सेशन। तो DC साहब को
इन सभी रूल्स का पालन करवाना होगा, ऐसा कहा है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब विजय वर्धन जी ने। तो आप देख सकते हैं 24 जुलाई अभी थोड़ी देर पहले ही जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सबकी क्या राय है सरकार के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।